चावन में चावन में बरसाने में बरसाने में मोरगुड़ी पे मोरगुड़ी पे यह बरवन में यह बरवन में जतिपुरा में जतिपुरा में गोकुल में गोकुल में बंसीवट पे बंसीवट पे राधा कुंड राधा कुंड कृष्ण कुंड पे कृष्ण कुंड पे चंद्र सरोवर चंद्र सरोवर सुरभि कुंड पे सुरभि कुंड पे प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर संकेत वन में रीढ़ोरी में रीढ़ोरी में गढ़हला में गढ़हला में दीर्घाट पे दीर्घाट पे बचपन में बचपन में बेलवन में बेलवन में सर्व जगत में सर्व जगत में ब्रजधाम में ब्रजधाम में राधे 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 राधे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री भागवत भगवान की जय। मंचस्थ विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जिमना आशीर्वाद थी अपने आ दिव्य महोत्सव नो आनंद मानी रहा छे। એવા પરમ આદરણીય પિતૃચરણ જે આજે કૃપા કરીને આપણા આ કથા યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞમાં અનુગ્રહ કરવા માટે આપણને બધાને અનુગ્રહિત કરવા માટે પધાર્યા છે, ખૂબ ખૂબ આપના ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરું છું। एवं जिमना सानिध्य में आ ज्ञान महोत्सव भगवद कथा नु आपणे बधा श्रवण करी रहा छीए, एवा परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण श्री हरिराय जी महोदय श्री चिरायुष्मान श्री व्रजाधीश जी एवं चिरायुष्मान श्री व्रजाधीप जी आचार्य परिवार खूब प्रसन्नता का विषय छे। आजना आ कथा यात्रा में संपूर्ण आचार्य परिवार अहीं मंच पर उपस्थित छे। एवं आप सब भगवत कथा प्रेमी सत्संगी वैष्णवो एवं जेना माध्यम थी जेनी कानी थी जेना आ सुंदर अलौकिक मनोरथ स्वरूप आपणे बधा श्रीमद भागवत भगवान ने કેન્દ્રમાં પધરાવીને જેમના સાનિધ્યમાં જેમની સ્વરૂપ અને લીલાનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ, એવા બળભાગી મનોરથી પરિવાર શ્રી બિપિનભાઈ વિંછી એમનો પરિવાર आइए सावधान होकर तन मन को पवित्र करने वाली हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली भगवत चरणारविंद में प्रीति बढ़ाने वाली मन को ध्येय की ओर ले जाने वाली हृदय को आनंद देने वाली चित्त को शुद्ध करने वाली
इंद्रियों को सार्थक करने वाली ऐसी यह श्रीमद् भागवती कथा यात्रा के क्रम को हम आगे बढ़ाएं। गत दिवस श्री गोवर्धन पूजा, श्री गोवर्धन लीला ની કથાનું અને સાથે સાથે મનોરથનું પણ આપણે બધાએ દર્શનનો લાભ લીધો। અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગદગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ આ જે ગોવર્ધન લીલા છે એને મુખ્ય રૂપે ब्रजवासीओने निरोध सिद्ध करावा माटे भगवाने आ लीला करी। अने श्री आचार्य जी आज्ञा करे छे के आ ब्रजवासीओने भगवान शनै शनै ही निरोधम करतुम इच्छा नत्वैक देव सर्व प्रकारम तम करतुम। श्री आचार्य महाप्रभु जी कारिकामा लखे छे सुबोधनी जी ने कि ब्रजवासीओने जे आजे निरोध सिद्ध करावा भगवान जई रह्या छे ए निरोध शनै शनै ही धीरे धीरे निरोध सिद्ध करवाना चाहते हैं। इसी वजह से तो 7 वर्ष तक ये गोवर्धन ये इंद्रयाग चलता रहा, नहीं तो भगवान इच्छा करत तो आपनु प्रागट्य थयु ब्रजमा, आपनी अंदर ए ऐश्वर्य ए वीर्य એ સામર્થ્ય રહેલું છે કે જન્મની સાથે જ બ્રજવાસીઓને તત્કાલ નિરોધ સિદ્ધ કરાવી દે। પણ આપ એવું ન કરતા, શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ બ્રજવાસીઓને ભગવાન શનૈ શનૈ હી એટલે ધીરે ધીરે ભક્તિની યાત્રામાં धीरे धीरे जीव आगड़ वधे। एटले नहीं वैष्णव ब्रह्म संबंधित वैष्णव जारे भगवद सेवा घर में पधरावे अने पछी धीरे धीरे सेवा नो प्रकार प्रारंभ करे, सौथी पहला मिश्री छे, माखन छे, दूध घर नी सेवा छे, પછી ધીરે ધીરે આગળ વધે, પછી આજ્ઞા લઈને અનસખડીનો પ્રકાર, પછી ધીરે ધીરે આગળ વધીને સખડીનો પ્રકાર, તો એ જે સેવાનો પણ જે ક્રમ છે ધીરે ધીરે શનૈ શનૈ એમાં આપણે આગળ વધવાનું હોય છે। પછી ઘણા લોકો સેવા પધરાવે ને પછી મિશ્રી ને માખન દૂધઘર ને પછી 5-5, 10-10, 20-20 વર્ષથી એ જ ચાલતું રહે એવું ના હોવું જોઈએ। હા, ધીરે ધીરે આગળ વધના ચાહીએ, પછી ઓલા 20 વર્ષ નીકળી જાય તો એમાં આગળ વધે જ નહીં। જ્યેષ્ઠ ભાતૃચરણના વચનામૃતમાં આપને શ્રવણ યાદ હશે, હું સ્મરણ કરાવું, સેવાના વિષયમાં એ પણ આપે વાત કરી હતી અને ધીરે ધીરે સેવાનો પ્રકાર માં વૈષ્ણવ આગળ વધે એ તત્પરતા, એ આગ્રહ, એ વિષયમાં પણ આપશે ચર્ચા કરી હતી, આપને સ્મરણમાં હશે। તો ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધતા રહેવું જોઈએ। તો 7 વર્ષ સુધી ભગવાન પોતાની સાર ગર્ભિત વાણીથી
गुढ़ार्थपूर्ण वाणी थी पोताना अमृत वचनों द्वारा ब्रजवासियों अंदर ज्ञान बीजनु स्थापन करियो अने हवे ए बीज ने पल्लवित करवा वाली वाणी थी ज्यां ब्रजवासियों ने इंद्र याग्नी तैयारियों में जोया सर्व अंतर्यामी छे भगवान बधु जाने छे तो पण सहजताथी अज्ञानी थईने पूछे छे के हे पिताजी मने आप कहो के आ बदा कया उत्सव की तैयारी चाली रही छे कथ्यताम मे पितः कोयम् संभ्रमो उपागतः किं फलम् कस्योदेशः केन वा साध्यते मखः बाबा मुको ये बताओ कि ये कौन सो उत्सव मनाएवे के लिए आप सब प्रयत्न कर रहे हो ये उत्सव मनाएवे के पीछे या कोई फल क्या है या कोई उद्देश्य क्या है और ये जो उत्सव जो यज्ञ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये यज्ञ में कौन कौन सी साधन सामग्री इनको विनियोग होगा ये सब जानवे के लिए मैं बड़ो उत्सुक हूं। देखिए मनुष्य मानव दो प्रकार से कर्म करता है एक तो ज्ञान पूर्वक और एक अज्ञान से। घनी वक्त अज्ञान थी कर्म करता हो गाडरियो प्रवाह जेने कही ओला ने जोई ने ये आपन करवा लागे अथवा अमारा पूर्व जो करता था एटले अमे करीए छे पर एना पाछळ शू कारण छे ए महात्म ज्ञान एनी खबर एने नथी होती। तो जो बे प्रकार थी कर्म था एक तो ज्ञान थी अने एक अज्ञान थी अने ज्ञान थी करेलू कर्म एनु फल एने मळे छे ने अज्ञान थी करेलू कर्म एनु फल ए जीवने नथी मळतुं। भगवान पूछते हैं पिताजी मुझे ये बताइए कि आप का यह विचारित यज्ञ श्रोत है स्मार्त है या फिर लौकिक है अने जो आ त्रण माथी एक पण कारण नथी तो पछी आने करवानो कोई मतलब नथी। हूँ आ बधु जाणवा माटे बहु इच्छुक छु आमा हमारा थी छुपावा जेवी तो कई बात छे नहीं कारण के शास्त्रों कहे छे आयुर्वेत्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मेथुन भेषजम अपमानं तपोदानं नवगोप्यानि यत्नतः नव वस्तुओं ने शास्त्रों गोप्य रखवानी बात करे छे आयुष्य वित्त ग्रह छिद्र भंग मंत्र मैथुन औषधि अपमान तप अने दान आ नव वस्तुओं ने गोप्य राखवी जोईए। पिताजी आमा हमारा थी कहीं गोप्य राखवू एवं तो मने कहीं लागतू नथी एटले हूँ आपने पूछू छू मने बताओ कि आप कया आ उत्सव मनावानो प्रयास करी रहा छो सेनी तैयारी चाली रही छे सुंदर प्रश्न भगवाने कर्यो अने पछी नंदराय जीए पोताना ज्ञान मति अनुसार कृष्ण ने उत्तर आपे छे परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्राणनौ जीवनं पयः
पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममर्तयः। नंदराय जी कहते हैं, लाला वर्षा करवा वालो इंद्र भगवान छे। आज गोवर्धन लीला छे ने, खूब सुंदर रहस्य आनो गुढ़ार्थ श्री महाप्रभु जी प्रकट करी रहा छे। श्री सुबोधनी जी अंतर्गत खूब ध्यान थी, एकाग्रता थी श्रवण करजो। नंदराय जी कहे छे कि लाला इंद्र ए वर्षा करवा वालो ए भगवान छे, जे वर्षा करी रह्यो छे ए इंद्र। परजन्यो भगवान इंद्र, ए इंद्र भगवान छे अने मेघ एना शरीर रूप छे। अने ए मेघ समस्त प्राणी ने जीवन आपा वाड़ा, समस्त जीवो ने तुष्ट करवा वाड़ा, जलनी वृष्टि करे छे। तो हे प्रिय पुत्र, हम उन्हीं मेघपति ईश्वर इंद्र की यज्ञ के माध्यम से उसकी पूजा कर रहे हैं। वे आज श्लोक छे, श्री आचार्य जी एनी ऊपर कारिका लखे छे के अहिया आज इंद्र छे, इंद्र ना माटे भगवान शब्द नो प्रयोग नंदराय जी ए कर्यो। परजन्यो भगवान इंद्र। तो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी अंतर्गत समझावी रहा छे के जो इंद्र भगवान छे अने इंद्र ज स्वतंत्र रूपे संसार ने पोषण करवा वाळू, जलनी वृष्टि करे छे, अने ए इंद्र थी ज संसार नु जनकत्व चाले छे।